राधे कृष्ण दोस्तों, जीवन में परम सुख और परम आनंद का मार्ग भक्ति मार्ग ही है। यही परलोक सकल सुख पावन मेरी शोभैया कृष्ण गुण संच, अर्थात कृष्ण की भक्ति संपूर्ण सुखों का मूल है, संपूर्ण आनंद का स्रोत है। अब आप कहोगे, सिर्फ कृष्ण कृष्ण राधा राधा कहने से सारे काम अपने आप हो जाएंगे क्या? तो कह के तो देखो, मन में, वाणी में और हृदय में ये बात बैठा लो कि इनकी कृपा से ही सारे काम होने हैं, और कृपा प्राप्त करने के लिए उनका नाम जपना जरूरी, अत्यंत जरूरी है। अब कई लोगों को इस पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक अहम की भावना, अहम की वृत्ति, अहम भाव का स्वभाव, अहंकार उनमें होता है, और इसी वृत्ति के कारण वो पक्षपात करते बैठते हैं कि ये अच्छा है, वो बुरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है। ऐसे लोग भी इस गुप्त मंत्र को जप ले तब वो स्वयं समझ जाएंगे कि ये तो प्रभु का बहुत बड़ा माया का जाल है, इससे हमें मुक्त होना ही पड़ेगा। जो इस गुप्त मंत्र का ध्यान करेंगे वो बड़े कृपा पात्री होंगे, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया कि कर्ता और धर्ता तो प्रभु श्री कृष्ण ही है। और अगर श्याम ने हाथ थाम लिया तो दुनिया वाले हजार बार गिराए, पर आपका गिरकर उठना निश्चित है, क्योंकि आपने श्याम नाम की डोर अब पकड़ ली है, और अब कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता। इतने भी बिगड़े काम हो, अगर नाम साथ है तो बड़े बड़े काम भी बन जाते हैं। स्वयं आजमा के देख लो, सिर्फ एक बार करके देख लो, और ये भी सुन लो, जो नाम से विमुख है वो नाना प्रकार के दुख बीमारी में ही भटकते रहते हैं, फिर दैन्य हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, फिर उसे प्रभु का मार्ग मिलता ही नहीं। वो स्वयं को ही सामर्थ्यशाली मानते हैं, पर वही जो श्याम नाम का सहारा लेता है उसकी अवस्था नवजात शिशु की तरह होती है। वो स्वयं कुछ भी नहीं करता, प्रभु ही उसके माता पिता बन जाते हैं और प्रभु ही उसका सारा काम करते रहते हैं, और आपके ऊपर ऐसी ही कृपा की बरसात होती रहती है। इसलिए राधा रानी को बरसाने वाली राधा भी कहते हैं, अर्थात कृपा को बरसाने वाली। इसलिए निरंतर राधा नाम का गुप्त मंत्र रटते रहिए, फिर आपकी विजय निश्चित 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 है। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।